सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे पास एक V8 स्मार्ट वॉच, तो फटाफट से इसको कर देते हैं अनबॉक्स, देख लेते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट्स और इसका एक स्पेशल रिव्यू। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ हमें इस टाइप की मिलती है हमारी V8 स्मार्ट वॉच, तो इसको निकाल लेते हैं, रख देते हैं साइड में। उसके बाद हमें कुछ इसके नीचे मिलता है कुछ पेपर वर्क, तो पेपर वर्क आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको पूरा सा रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसको भी रखते हैं साइड में और हमें यहाँ पर मिलती है हमारी V8 स्मार्ट वॉच। तो इसका जो रिव्यू है वो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि इस रिव्यू में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है, इसकी बैटरी कितनी है, एमएएच की और बाकी सारे फंक्शंस। आपको जो इसमें चीज़ मिलेगी वो मिलेगी केवल और केवल इसके बेस्ट परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस कैसी, आप इसको खरीदें तो क्यों खरीदें। हमें इस वॉच में दो क्लॉक फेस देखने को मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्लासिक एक लुक देता है क्लॉक फेस। और उसके बाद जब आप स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको सेकंड क्लॉक फेस कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। आप राइट स्वाइप करके इस वॉच में एंटर हो सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस में आपको जो दो एप्लीकेशंस मेन मिल जाते हैं, वो एक मिलता है आपको इधर कॉल्स का और उसके पास मिलता है आपको मैसेजिंग का। उसके बाद जब आप राइट स्वाइप करेंगे तो आप इसके डायलर में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद इधर से आप कोई सा भी नंबर डायल करके उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है रिमोट नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ सेटिंग्स और क्विक रेस्प। आप इसकी सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं, तो ये आसूस जेन वॉच जैसा लुक देता है, काफ़ी अच्छा है। V8 स्मार्ट वॉच है बट काफ़ी अच्छी लुक देता है। और उसके बाद हमको इसमें इनबिल्ट कैमरा भी मिल जाता है इस वॉच में। जी हाँ, आप देखिए इसमें जो वॉलपेपर है वो भी चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी देख सकते हैं। और इसमें सबसे कमाल की बात जो है, आपको मोशन सेंसर मिल जाता है। जी हाँ, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको मोशन का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपका अगर कोई भी फ़ोन कॉल आ रहा है तो आप उसको यूं राइट स्वाइप करके उसको पिक कर सकते हैं, या लेफ्ट स्वाइप करके आप उसको एंड भी कर सकते हैं। जी हाँ, कॉल एंड भी कर सकते हैं आप, किसी भी नोटिफिकेशन को मैसेज को भी ऐसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी वो है इसका कैमरा। इसका कैमरा DZ09 और GT08 स्मार्ट वॉच से काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इसके कैमरे की कुछ इमेजेस आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है, वो जी हाँ वो इसी वॉच से खींची गई है। उसके बाद ये देखिए इसका जो एक और काफ़ी अच्छा फंक्शन है वो इसका ऑडियो प्लेयर। इसमें ऑडियो भी काफ़ी कमाल की मिलती है। देखिए तो इसका जो ऑडियो प्लेयर है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप इससे में ब्लूटूथ म्यूजिक भी कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल लिस्ट भी जो आपने इसमें इंसर्टेड कर रखी है अभी आपकी SD कार्ड से वो भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है इसमें आगे जाएंगे तो फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर, कैलेंडर, अलार्म क्लॉक और साउंड रिकॉर्डर मिलता है। उसके बाद इसमें जो एडवांस्ड कुछ फीचर्स हैं जो इतनी लो प्राइस में आपको अवेलेबल नहीं होते हैं वो हैं, एक तो पावर सेविंग मोड। जी हाँ, इस वॉच में पावर सेविंग मोड भी दे रखा है। उसके बाद इसमें एंटी लॉक भी दे रखा है, एंटी लॉक भी काफ़ी कम वॉचेज में मिलता है। और उसके बाद इसमें दे रखा है वर्ल्ड क्लॉक। जी हाँ, आप इसमें GPS जैसे भी आपकी वर्ल्ड क्लॉक को सेट कर सकते हैं। अभी मैंने न्यू दिल्ली सेट कर रखा है, आप इसमें आपको सारे मिल जाएगा। इसमें देखिए काठमांडू है, ढाका है, तो आप अलग अलग इसमें जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको भी सेट कर सकते हैं। अभी मैंने लोकल न्यू दिल्ली का टाइम सेट कर रखा है। तो आप इसमें पावर सेविंग मोड भी कर सकते हैं, अगर आपकी जो वॉच है वो डिस्चार्ज हो तो आप इसमें पावर सेविंग मोड पे टैप करके इसको पावर सेव ऑन हो गया, और इसको एक और बार टैप करके पावर सेव ऑफ हो गया। और बाकी जो इसके फंक्शंस है, जो भी इसका ब्लूटूथ वर्जन, इसकी जो ऑडियो प्लेयर है, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, ब्लूटूथ वर्जन कैसा है, इसकी जो बैटरी का इमेज है वो कितना है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसका जो यूज़र मैनुअल है वो भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके रीड कर लें। इसमें हमको मिलता है व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और ब्राउज़र, तो ये काफ़ी अच्छे फीचर है इतने कम प्राइस वॉच में। उसके बाद डायलर मिलता है, कॉल लॉग्स मिलता है, फोन बुक मिलता है और मैसेजिंग मिलता है। अब इसमें अपने विदाउट एसडी कार्ड भी, जहाँ विदाउट एसडी कार्ड भी अब इसमें जो फोन बुक में है वो सेव कर सकते हैं। इसकी इंटरनल मेमोरी अप्रोक्स 2 MB के आसपास की है। और इसका ब्लूटूथ भी काफ़ी अच्छा है, अब इसको अपने मोबाइल से, किसी भी मोबाइल से पेयर करके भी इसमें कोई भी अगर मैसेज आता है तो आप इसमें ही आपकी वॉच में ही रीड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बार बार आपके जो मोबाइल को है उसको निकालने की, जेब में से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अगर, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिख के छोड़ दें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।